छोटे पर्दे के फेमस रियलिटी शो कपिल शर्मा में कृष्णा अभिषेक से लेकर कीकू शारदा ने औरत बनकर अपनी जबरदस्त एक्टिंग की है, साथ ही दर्शकों के दिलों पर भी अपनी खास छाप छोड़ी है, जिन्होंने न सिर्फ औरत बनकर उनके किरदारों को निभाया है बल्कि औरत के किरदारों में उन्होंने लोगों का दिल जीतने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं, इनके अलावा भी टीवी के कई हैंडसम हंक अभिनेताओं ने पर्दे पर औरत बनकर धमाल मचाया है, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया है, पर शायद ही आप उन्हें जानते होंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके उन्हीं हैंडसम हंक अभिनेताओं से रूबरू कराएंगे जो पर्दे पर औरत बनकर नजर आए हैं। तो फिर आइए जानते हैं। नंबर एक, विश्वजीत प्रधान। दिग्गज अभिनेता विश्वजीत प्रधान वैसे तो अक्सर नेगेटिव किरदार में नजर आते हैं, लेकिन सीरियल एक बूंद इश्क में इन्होंने कलावती का किरदार निभाया था, जिसमें ये कलरफुल साड़ी पहने बोल्ड मेकअप ज्वेलरी के साथ खुले बाल तो कभी जूड़ा बनाए हुए नजर आए थे, जिसके चलते ये पर्दे पर छा गए थे। नंबर दो, शहीर शेख। टीवी के हैंडसम हंक एक्टर शहीर शेख भी पर्दे पर औरत बन चुके हैं। जी हाँ, इन्होंने महाभारत में ब्रह्मनल्ला के किरदार में नर्तकी बनकर साड़ी पहने लाइट मेकअप में दिखाई दिए थे, जिसमें इनका अंदाज तो देखने लायक था। नंबर तीन, गौरव खन्ना। अनुपमा सीरियल के हैंडसम हंक अभिनेता गौरव खन्ना इन दिनों टीवी पर छाए हुए हैं। यही नहीं बल्कि ये तो एक बार सीरियल ये प्यार ना होगा कम में एक फनी सीन के लिए NRI लड़की का किरदार निभाते हुए नजर आए थे, जिसमें काफी ज्यादा मॉडर्न भी लग रहे थे। नंबर चार, राजेश खेड़ा। फेमस अभिनेता राजेश खेड़ा वैसे तो अपने हर एक किरदार से लोगों का खूब दिल जीत लेते हैं, पर सीरियल उत्तरन में इन्होंने ट्रांसजेंडर की भूमिका अदा की थी, जिसमे इन्हें खूब पसंद किया गया था। नंबर पाँच, विशाल गांधी। टीवी के मोस्ट पॉपुलर एक्टर विशाल गांधी भी एक बार सीरियल प्यार की एक कहानी के सीन के लिए औरत बन चुके हैं। दरअसल ये पजामा पार्टी में जाने के लिए एक लड़की बने थे, जिसमें ये साड़ी पहने, चोटी बांधे, ज्वेलरी पहने हुए बिल्कुल एक संस्कारी औरत लग रहे थे। नंबर छह, गौरव गेरा। टीवी के स्टाइलिश एक्टर गौरव गेरा को यूं तो इनके कॉमिक अंदाज के लिए जाना जाता है, पर आपको बता दें इन्होंने भी सीरियल मिसेज पम्मी प्यारेलाल में पम्मी आंटी की भूमिका अदा की थी, जिसमें ये शिमरी साड़ी पहने आइटम गर्ल की तरह दिखाई दिए थे, इसलिए तो दर्शकों ने इनके इस किरदार को खूब पसंद किया था। नंबर सात, उज्ज्वल चोपड़ा। टीवी इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता उज्ज्वल चोपड़ा भी सीरियल गुलाल में एक ट्रांसजेंडर बने थे, जहां इन्होंने अपने किरदार के साथ अपने जबरदस्त एक्टिंग के टैलेंट से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी, जिसे आज दर्शक खूब पसंद करते हैं। नंबर आठ, शब्बीर आहलूवालिया। सीरियल कुमकुम भाग्य से मशहूर हुए अभिनेता शब्बीर आहलूवालिया भी छोटे पर्दे पर औरत बन चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें ये सीरियल कहीं तो होगा में मिसेज ब्रिगेंजा के किरदार में काफी मॉडर्न लड़की बने हुए नजर आए थे, जिनमें इनका अंदाज तो वाकई में बेहद लाजवाब लग रहा था। नंबर आठ, मोहित सहगल। टीवी के चार्मिंग अभिनेता मोहित सहगल भी पर्दे पर औरत बनने वालों में शामिल होते हैं। जी हाँ, बता दें कबूल है सीरियल में एक सीन के लिए ये औरत बने थे, जिनमें इन्होंने न केवल औरतों वाले कपड़े पहने थे बल्कि मेकअप भी किया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। तो दोस्तों, आपको ये सभी हैंडसम हंक अभिनेता पर्दे पर औरत बनकर कैसे लगे, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।